आज से हम लोग शुरू करें जी न्यूरोएनाटॉमी और न्यूरोएनाटॉमी की भी क्विक प्लेलिस्ट। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को न्यूरोएनाटॉमी मुश्किल लग रही है वो 6 दिनों में आसानी से कर सकता है। हम लोग सीक्वेंस वाइज न्यूरोएनाटॉमी करेंगे, आप लोगों ने भी सीक्वेंस वाइज वीडियोज देखने हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और जिसके नहीं है वो आ जाएंगे, ठीक हो गया। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम देखना है। तो ये तो हम लोग FSC के लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो डिवाइडेड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 में डिवाइड होता है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर फिर 2 में डिवाइड होता है, स्पेशल सेंसेशंस और जनरल सेंसेशंस। जो स्पेशल सेंसेशंस है वो किसी स्पेसिफिक स्पेशल एरिया से सेंसेशंस को लेके जाएगा, जैसे कि हमारी देखने की सलाई सिर्फ और सिर्फ आंखों में होगी, ठीक है। ये वीएन जैसे हियरिंग है, हमारे कान ही सिर्फ सुनते हैं और कोई जगह नहीं सुनती, तो कानों की जो सुनने की जो सेंसेशंस है वो स्पेशल सेंसेशंस के थ्रू जाएंगी। इसी तरह टेस्ट है हमारी टंग, और जो इक्विलिब्रियम है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिस्टम जो हमारे कानों के अंदर है वही इक्विलिब्रियम को सेंस करेगी। तो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पेशल सेंसेशंस ये हो गए। अब जो जनरल सेंसेशंस है वो भी 2 में डिवाइडेड है, एक सोमैटिक जनरल सेंसेशंस और दूसरा विसरल जनरल सेंसेशंस। जो सोमैटिक जनरल सेंसेशंस है वो याद रखना फ्रॉम द सुपरफिशियल एरियाज ऑफ द बॉडी से जितनी भी सेंसेशंस होंगी वो सोमैटिक जनरल सेंसेशंस में आएंगी। कैसे? अब सुपरफिशियल एरियाज में एक तो हमारे पास स्किन पाई जाती है, ठीक है, स्किन से जितनी भी सेंसेशंस होंगी वो इसमें आएंगी। और दूसरा ये जो लोकोमोटिव सिस्टम है इसका आप लोगों ने अभी से लाजमी समझना है, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट आ रहा है आगे प्रोप्रियोसेप्शन, वो भी मैं आप लोगों को इसी से समझाऊंगा, ठीक है। लोकोमोटिव सिस्टम में क्या आता है, जितने भी हमारे मसल्स है, ज्वाइंट्स है, टेंडन्स है, वो सब लोकोमोटिव सिस्टम में आती है, ठीक है, मसल्स, ज्वाइंट्स एंड टेंडन्स। अच्छा जी, और विसरल जनरल सेंसेशन में जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी सेंसेशंस जो है विसरल जनरल सेंसेशंस में आएंगी, जैसे कि हमारे पास डल, पेन वगैरह वगैरह। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, प्रोप्रियोसेप्शन, जो आगे न्यूरोएनाटॉमी में बहुत आप बहुत इसका लफ्ज सुनेंगे। तो प्रोप्रियोसेप्शन का भी मैं आपको जनरल जनरल बता देता हूं, याद रखना जी, प्रोप्रियोसेप्शन इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड रिस्पांस ऑफ द बॉडी। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम लोग चलते हैं, एक पांव उठाते हैं दूसरा खुद खुद उठता है, हम अपने ख्यालों में होते हैं, ये प्रोप्रियोसेप्शन है। हम बात करते हैं, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रिस्पांस बॉडी का प्रोप्रियोसेप्शन होता है। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन में जाता हूं कि प्रोप्रियोसेप्शन कहते किसे। इधर देखिए जी, ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशंस कमिंग फ्रॉम द लोकोमोटिव सिस्टम टू ब्रेन एज अ होल कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक हो गया। ये जितने भी हमारे पास ये लोकोमोटिव सिस्टम से, ये मसल, टेंडन, जॉइंट से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है एज अ होल कलेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। और ये हमारे पास क्या है जी, कंप्यूटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक समझा रहा था प्रोप्रियोसेप्शन। अब आते हैं जी मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 में डिवाइडेड होता है, सोमैटिक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो वॉलंटरी इन नेचर, वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, और ये जो ऑटोनॉमिक है वो इनवॉलंटरी है, वो खुद ब खुद होता है। अब ऑटोनॉमिक के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक है वो फ्लाइट और फाइट मूड वाला है, ठीक है, जो इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं, और पैरासिंपैथेटिक जो रेस्ट रिलैक्स स्टेट में जब होता है जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हमारा जी क्विक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, 2 में हमने डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद क्विक रिव्यू आएगा, इनके ऊपर न्यूरॉन, ग्लियल सेल, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, और डिफरेंस बताएंगे हम ट्रैक्स और नर्व्स का। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।